हेलो गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिन्हा बोल रही हूँ। डॉक्टर आपसे बात करना था, ये वाइफ प्रेग्नेंट है, अबॉर्शन करना था। कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है, लड़की है तो। कैसे बात कर रहे हो आप, ऐसा तो पहले नहीं हो। लड़की है तो समझ में नहीं आ रही है, अबॉर्शन करा दूंगा। लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी। उसे क्यों करा रहे हो अबॉर्शन? क्योंकि रेप हो जाएगा। डॉक्टर मैं ये नहीं चाहता कि इसका रेप हो। आई एम सो सॉरी डॉक्टर, मैं नवीद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और मुझे मालूम है कि आपके पास कॉल्स आती होगी, लेकिन उनकी वजह यही होती होगी कि मैं दहेज नहीं दे सकता या मैं लड़की को पढ़ा नहीं सकता। लेकिन अब कॉल आया करेंगी और वजह ये हुआ करेगी डॉक्टर कि मैं अपनी बच्ची को पैदा नहीं होने देना चाहता क्योंकि इसका रेप हो सकता है। दिल्ली में 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ। 8 महीने की बच्ची होती कितनी अगर वो तंदुरुस्त ना हो, इंसान के एक हाथ में आ जाती है, उसका रेप हुआ है। सॉरी मैंने आपका वक्त भी ले लिया, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ सबको कि ये होने लगेगा, वरना इस चीज को बंद करवा दो। मेरी समझ में नहीं आता कि स्लोगन देखने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटियां कमजोर है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, इनको बचाना भी है। ऐसे स्लोगन क्यों नहीं बनते कि बेटे को बताओ और ना माने तो थप्पड़ लगाओ। और जितने लोग इस बात को मानते थे ना कि लड़की घर से बाहर निकलती है तो रेप होता है, उसके रिश्तेदार ने बेडरूम में घुस के उसकी बच्ची के साथ रेप किया। जब उसके माँ बाप ने इस बच्ची को देखा तो खून में लथपथ पड़ी थी, पूरा हॉस्पिटल घूम गया था इसकी चीख से। और हिंदू मुस्लिम आप करते रहिए अपना काम एक दूसरे को बुरा भला कहने में और जुलूस निकाल के एक दूसरे को मारने में। अगर शर्म है ना थोड़ी सी, तो इनसे ज्यादा खतरनाक जो हमारे मुल्क में हो रहा है कि बच्चियों के रेप जो करते हैं उन जानवरों को जाके सबक सिखाओ, इतनी भीड़ ले जाकर। और कोई बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। जब आप किसी को ये बताते हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पहले से ही दिमाग में हमने ठूस रखा है कि लड़कियां कम होती है। 100 करोड़ की आबादी में अगर एक इंसान भी मेरी आवाज सुन रहा है ना और उसको ये लगता है कि लड़कियां देर रात घर से बाहर निकलती हैं तो रेप होते हैं, तो मुझसे बात कर ले। मैं कसम खा रहा हूं अगर उसने मुझे हरा दिया इस चीज में तो जिंदगी में कभी रेडियो पे नहीं आऊंगा और अपनी आवाज नहीं सुनाऊंगा। डॉक्टर आई एम सॉरी, मैंने आपका काफी वक्त ले लिया। आई थिंक यू आर राइट नवीन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक्सट्रीमली शेमफुल द रिलीजन के नाम पे जो है क्या हो रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली रेप जैसा इतना बड़ा जो इशू है, इतना बड़ा जो सोशल इशू है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे। घड़ी किसी कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, आज तक हम सब लोग एक गलत डायरेक्शन में एफर्ट करते रहे। We should save our boys, not our girls. Because if we save our boys, then our girls will be safe. तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए आदर्श है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। लिपटी भेड़िया समझना इनको वस्त्र, जो तुझसे लिपटी भेड़िया समझना इनको वस्त्र तू, ये भेड़िया निघाल के बनाने इनको शस्त्र तू, बनाने इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों हुई है दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों हुई है दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे,
के भस्म करूं उसे, जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है, जैसे किसी तर्क स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ना का मतलब ना ही होता है। उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, आपकी अपनी बीवी क्यों, नो मीन्स नो।